साहस जिनके मन में होता है, जो सपने आंखों में बोता है, जो मुश्किलों की आंखें झुकाता है, जो गर्दिशों में नहीं रोता है, वही डायमंड होता है। थमना जिसको आता नहीं है, जो कभी भी किसी हाल में घबराता नहीं है, लक्ष्य की जानिब बढ़ता है तन के, हारना जिसको आता नहीं है, वही डायमंड होता है। वक्त के तंज को मात देने वाले ऐसे ही सेफ शॉप के डायमंड लीडर हैं विशाल शर्मा, जिन्हें पिंटू शर्मा के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। पंद्रह मार्च सन 89 में अलवर जिले की तहसील थाना गाजी के एक गांव नाथूसर के कृषक श्री बद्री प्रसाद जी और भगवती देवी के घर जन्मा ये रत्न आज का डायमंड है। तीन भाई और एक बहन में सबसे छोटे विशाल जी ने प्रारंभिक शिक्षा कक्षा एक से कक्षा छह तक गांव के ही उच्च प्राथमिक विद्यालय से पूरी की। सातवीं आठवीं अपनी बहन के पास नारायणपुर में रहकर उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुर नारायणपुर से पूरी की। नौवीं दसवीं उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थानागाजी से पूर्ण की। इसी दौरान घर के दोनों कुओं का पानी सूख गया, जिनके भरोसे खेती होती थी। जीवन का आधार ही जिस घर का खेती थी। पिता ने तीन बोरिंग करवाई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार कर्जे में डूबता चला गया। ऐसे गंभीर वक्त में परिवार को रोजी रोटी की तलाश में गुड़गांव जाना पड़ा। आप घर में छोटे थे, सब चाहते थे आप शिक्षा का दामन न छोड़े, इसीलिए आप पढ़ते रहे। ग्यारहवीं और बारहवीं आपने भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर से हासिल की। घर के हालात सावन में सूखा जैसे थे, इसीलिए गर्मी की छुट्टी में आप गुड़गांव आकर अपने भाइयों के साथ रात भर कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब किया करते, साथ ही कंप्यूटर के छोटे मोटे कोर्स भी किया करते। विशाल ने अपनी कॉलेज की तालीम अलवर के बाबू शोभा राम कॉलेज से मुकम्मल की। तब अपना खर्चा चलाने के लिए आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी करते थे। उन्हीं दिनों एक अनजान शख्स ने आपको सेफ शॉप का प्लान देखने के लिए आमंत्रित किया। आप गए। सेफ शॉप का जिंदगी की तमाम खुशियों को मुट्ठी में बंद कर लेने वाला प्लान देखा और ठान लिया, अब करूंगा तो यही बिजनेस, वरना कुछ नहीं। अपने मकान मालिक से उधार लिया और कंपनी से जुड़ गए। सोचा भाइयों को प्लान समझाऊंगा तो वो यकीनन साथ देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। डांट पड़ी और हिदायत दे दी गई कि सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। विशाल को लौटकर अलवर आना पड़ा। पढ़ाई के साथ बेमन से सेफ शॉप का काम भी चलता रहा। लेकिन जब आपने 8 स्टेप ट्रेनिंग अटेंड की तो आपकी आंतरिक वैचारिक शक्ति स्वतः उजागर हो गई और आपने खुद से वादा किया कि मैं अपनी खुशियों की मंजिल यहीं तलाशूंगा। लोग
लोग तंज कसते रहे, उपहास उड़ाते रहे। विशाल आगे बढ़ते रहे। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इसी की तर्ज में और तरक्की ने उनका माथा चूमा। वे 2011 में सिल्वर हुए, 2012 में गोल्ड, 2014 में पर्ल, 2015 में टोपैज, 2017 में एमरल्ड, 2018 में रूबी, और अब बारी है उस खिताब की जिसे लोग डायमंड कहते हैं। सेफ शॉप की बदौलत आज बिंटू शर्मा उर्फ विशाल शर्मा उर्फ डायमंड लीडर उन्नति का पर्याय बन चुके हैं। इसी सेफ शॉप की वजह से उन्होंने दो बाइक खरीदी, लैपटॉप, महंगा मोबाइल, प्रोजेक्टर खरीदा। आज वे रॉयल जिंदगी जीते हैं। फीगो कार में चलते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं, देश के महंगे होटलों में रुकते हैं, देश विदेश में घूमा करते हैं। विशाल शर्मा जैसे प्रतिभाशाली लीडर आज राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कितने ही प्रांतों में सेफ शॉप की पताका उठाए हुए शान से पढ़ रहे हैं। ऐसे युवा डायमंड को उम्मीदों भरा सलाम। जय हो सेफ शॉप। सूरज खुद का उगाते हैं, आगे वक्त से आगे जाते हैं, जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं, तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं। लीडर्स, लीडर्स, लीडर्स फॉरएवर, लीडर्स, लीडर्स।